अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ अब्दुल रज़ाक, सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं। और हमने यहाँ पे आज एक डिवाइस के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करना है जिसका नाम है कैथोड और ऑसिलोस्कोप। 13 चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी बैटरी की EMF मेजर करना चाहते हो तो उसके लिए या तो इन्फिनिट रेजिस्टेंस का वोल्टमीटर चाहिए जो कि असल में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए आप पोटेंशियोमीटर यूज करते हो जो कि एक सस्ता डिवाइस है। उसके बाद हमने दूसरे डिवाइस की बात की थी जो कि डिजिटल वोल्टमीटर होता है जिसकी अपनी बैटरी होती है और वो अपनी बैटरी के सर पर डिस्प्ले करता है, तो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, वो EMF मेजर कर सकता है। और जो तीसरी कैथोड ऑसिलोस्कोप जो कि आपको बैटरी की EMF मेजर करके दे सकता है, और ये सर EMF मेजर करके नहीं दे सकता, इट इज अ वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट। वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या है, इट इज अ हाई स्पीड ग्राफ प्लॉटर, ठीक है, बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटी आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान में आपने ग्राफ बनाना है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को पहले कोई सेंसर लगा के कन्वर्ट कर लो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑडियो का जो है वो ऑडियो वेव देखनी है तो उसके लिए माइक्रोफोन एक ऑडियो सेंसर है जो कि साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल वेव में डील कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में डील कर देता है। अगर आपने कोई हीट को चेंज करना है तो उसके लिए आप थर्मिस्टर यूज कर सकते हो, ठीक है, या इस तरह का कोई और डिवाइस यूज कर सकते हो, कोई थर्मोकपल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज कर सकते हो हीट सेंसिंग के यूज करने के लिए। प्रेशर को सेंस करने के लिए कोई प्रेशर स्विच यूज किया जा सकता है। इस तरीके से हर फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कोई ना कोई मेथड जरूर होता है, कोई ना कोई सेंसर जरूर होता है, ठीक है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जिन दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ बनाती है वो फिजिकल क्वांटिटीज कोई भी हो सकती है, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान में ग्राफ बनाया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होती है उनमें जो ग्राफ बनाता है बनाया जाता है वो ग्राफ किन दो चीजों के दरमियान में होता है, वो होता है वोल्टेजेस वर्सेस टाइम। वोल्टेजेस और टाइम के दरमियान में आप ग्राफ बनाते हो और ये जो टाइम का सिग्नल आता है ये भी वोल्टेजेस की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जो ये वाला वोल्टेज है ये बिल्ट इन होता है, ठीक है, ये किसी भी सीआरओ के अंदर अपना सर्किट लगा होता है जो कि टाइम के हिसाब से वोल्टेज जनरेट करता है। तो आमतौर पर जो भी हमारे पास होती है उनमें ये आप एक्सटर्नल सिग्नल प्रोवाइड करते हो उसका ग्राफ बनाना होता है, ये बिल्ट इन इंटरनल सर्किट होता है जो कि टाइम के लिए सिग्नल जनरेट करता है। एक्सटर्नल वोल्टेज की नॉब्स लगी होती है, वहां पे आप नॉब्स अप्लाई करके उससे जो है वो कोई भी सिग्नल दे देते हो जिसको टाइम के साथ कंपेयर करके आपने ग्राफ बनाना होता है। अब उसके बाद अगली बारी आती है इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की हेडिंग है जो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपके लिए डायग्राम पे एक्सप्लेन करूंगा। तो ये यहां पे स्टार्ट कर देते हैं डायग्राम। डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या शो करना है, आपने शो करना है कि यहां पे कोई मेटल है, ठीक है, और ये मेटल कैथोड की तरह कर रहा है। ये मेटल किसका टच कर रहा है, ये कैथोड सी की तरह कर रहा है। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा हुआ है जिस वजह से स्त्री के अंदर फिलामेंट लगा होता है उससे मेटल हीटअप होता है, तो वैसे यहाँ पे एक फिलामेंट है जो कैथोड के अंदर से पास हो रहा है और ये किसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड है जो कि इसमें से करंट फ्लो करवा रही है और जूल्स लॉ एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी के मुताबिक हीटिंग इफेक्ट आ रहा है और ये कैथोड हीटअप हो रहा है। इस कैथोड के हीटअप होने से यहाँ से थर्मियोनिक इमिशन होनी है और थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की जब आयनाइजेशन एनर्जी मिट कर जाएगी तो यहाँ से इजेक्ट हो जाएगी। आमतौर पर आप जब भी आप किसी मेटल को किसी भी जरिए से हीट करते हैं तो उसकी तरफ से मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लाजमी इमिट होते हैं, लेकिन क्योंकि कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं होता इसलिए वो अल्टीमेटली वापस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हीट एनर्जी रिलीज कर देते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैथोड है इससे भी इलेक्ट्रॉन वापस एब्जॉर्ब हो जैसे हो सकते हैं अगर इनको आगे जाने का, लेकिन
इनको आगे जाने का रास्ता मिलेगा, वो किस तरह से, इनके रास्ते में हम एक रुकावट रखेंगे और इस रुकावट का नाम क्या होगा, इस रुकावट का नाम होगा ग्रिड। ठीक है, ये क्या है, यह है ग्रिड जी। अब एक बात नोटिस करने की है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए कैथोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, कैथोड को हम नेगेटिव पोटेंशियल पे रखते हैं ताकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो और वापस ना आए। लेकिन ये जो आगे ग्रिड लगा हुआ है, ये ग्रिड कैथोड से भी ज्यादा हाई नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद होता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए होते हैं वो वापस अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन बचते हैं जो बिल्कुल सेंटर में है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी ही इससे मिलने वाली इतनी ज्यादा है कि वो इस रिपल्शन को ओवरकम करते हुए यहाँ से आगे आ सके। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रिड की नेगेटिव वैल्यू नॉब घुमा के बढ़ा दूंगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इनकी तादाद भी कम हो जाएगी। अगर मैं ग्रिड की इसका नेगेटिव पोटेंशियल कम कर दूंगा तो उससे जो इलेक्ट्रॉन्स पहले नहीं भी निकल रहे बाद में वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी ग्रिड के नेगेटिव पोटेंशियल को कंट्रोल करके कंट्रोल की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे आगे एक्सेलरेशन सिस्टम है, दैट मीन ये इलेक्ट्रॉन का जनरेशन सिस्टम था, अब आगे एक्सेलरेशन सिस्टम। और एक्सेलरेशन सिस्टम किस तरह से है कि यहाँ पे एनोड प्लेट का सेट लगा हुआ है। यह एनोड प्लेट A1 और A1 प्राइम, ये दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद हैं। इससे क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो इधर से नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव की वजह से जब इस रीजन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो एक्सेलरेट करते हुए इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करेंगे, जो कि जाहिर बात है डेल्टा U इक्वल टू Q डेल्टा V के बराबर होगी। चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस, वो उनका प्रोडक्ट इस जगह पे इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, जो कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज के साथ अपीयर होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक और सेट ऑफ प्लेट्स लगा होगा, जिन प्लेट्स का नाम क्या है, इनका नाम है A2 एंड A2 प्राइम। तो ये प्लेट्स हैं और ये पहले से भी ज्यादा हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जगह पे एंटर होते हैं, यहाँ से इधर आते पे एक्सेलरेट होते हैं, जब यहाँ पे एंटर हो जाते हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलते हैं क्योंकि प्लेट के दरमियान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब यहाँ पे इस जगह पे आते हैं तो इधर से अगली एनोड प्लेट में एंटर होने तक फिर से एक्सेलरेट करती है और फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलती है। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो एक और एनोड प्लेट का सेट है, इनको A3 और A3 प्राइम का नाम दूंगा। यहाँ से इधर आते हुए मजीद एक्सेलरेशन होगी क्योंकि ये पहले से भी ज्यादा हाई पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर मौजूद है। यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और उसके बाद यहाँ पे एक शील्ड लगी होगी। ठीक है, शील्ड का क्या काम है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए वो वापस पीछे को पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट ना हो, तो यहाँ से इस शील्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के आगे चले जाएंगे। अब अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 20 और यहाँ 30 वोल्ट है, तो भाई यहाँ पे मैं सिर्फ ये दोनों प्लेट से टाके 30 वाली प्लेट लगा दूं तो भी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में उतना ही है। ठीक है, देखो 0 से 10 तक 10 का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ से एनर्जी गेन, यहाँ से यहाँ तक फिर से 10 वोल्ट का डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक फिर से 10 वोल्ट का डिफरेंस, तो तीन स्टेप्स में एनर्जी आपको मिल रही है। लेकिन अगर आप दरमियान में ये वाली प्लेट्स लगाओगे ना, ठीक है, अगर ये प्लेट्स नहीं लगाओगे तो इससे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर भी 30 वोल्ट का रहेगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स उसी स्पीड से एक्सेलरेट करेंगे। तो फिर ये यहाँ पे इस तरीके से तीन प्लेट्स लगाने का क्या काम है, उसका काम है कि ये इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के साथ साथ फोकस भी करें, ये इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट करने के साथ साथ फोकस भी करें। क्या होगा कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से जरा सा हटेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो इधर अब्सॉर्ब हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा वो इधर अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे चलते हुए इलेक्ट्रॉन बीम जब आगे की तरफ चलेंगी तो हर वो इलेक्ट्रॉन जो कि अपने पास से थोड़ा सा भी हट रहा है वो इलेक्ट्रॉन साइड में अब्सॉर्ब होता चला जाएगा और इससे बीम फोकस होगी। तो अगर एक प्लेट लगा देता तो एक्सेलरेट तो हो जाती, फोकस ना होती। तीन प्लेट्स लगाने का मकसद ही ये है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन के साथ साथ फोकस मिले। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ से निकलने के बाद इस तरह से पहले डाइवर्ज होगी फिर कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो बीम यहाँ से निकलने के बाद पहले डाइवर्ज होगी
और फिर कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। वजह क्या है, जो जो इलेक्ट्रॉन अपने पास साइडों में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। तो जो इतना पार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कण। ये पार्ट क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन, ये इलेक्ट्रॉन फायरिंग सिस्टम। अब अगला जो सिस्टम आएगा वो होगा डिफ्लेक्शन सिस्टम। वो क्या सिस्टम होगा, वो होगा डिफ्लेक्शन सिस्टम। डिफ्लेक्शन सिस्टम में दो प्लेट्स काम करेगी, एक होगी हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, इनको x और x प्राइम का नाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये x और x प्राइम नाम की हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बीम इस तरह से चल रही है तो इसके रास्ते में जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं ये इस तरह पड़ी हुई है। तो जब इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में से गुजरेंगे तो जो ज्यादा पॉजिटिव होगी इलेक्ट्रॉन, जिसका पोटेंशियल हायर होगा उसकी तरफ बेंड करेंगे इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं और यहाँ पे टाइम का सिग्नल अप्लाई होता है। यहाँ पे कौन सा सिग्नल अप्लाई होता है, यहाँ पे टाइम का सिग्नल अप्लाई होता है। तो ये इंटरनल सर्किट जो कि टाइम बेस्ड जनरेटर है, जो कि स्टार्ट ऑफ वोल्टेज देते हैं उसके साथ कनेक्ट होती है। स्टार्ट ऑफ वोल्टेज वगैरह क्या है उसके बाद बाद में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद एक और सेट ऑफ प्लेट्स लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, प्लेट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वाई प्लेट है और इधर वाई प्राइम प्लेट है। ये प्लेट कौन सी है, ये प्लेट है y, और ये प्लेट कौन सी है, ये प्लेट है y प्राइम, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने ये एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करना है, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने वोल्टेज में तब्दील किया हुआ है, प्रेशर को, टेम्परेचर को, साउंड को, जिस भी चीज को आपने वोल्टेजेस में चेंज किया है, वो आपने y प्लेट के ऊपर सिग्नल अप्लाई करना है, क्योंकि y की नॉब बाहर कनेक्शन उसके दिए होते हैं। x प्लेट की कनेक्शन आमतौर पर बाहर नहीं दिए होते, लेकिन ऐसी CROs भी होती हैं जिनमें टाइम बेस्ड नेटवर्क के बजाय एक्सटर्नल सिग्नल ही प्रोवाइड किया जाता है प्लेट के ऊपर। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, वो है डिफ्लेक्शन सिस्टम। उसके बाद आगे जो मैं यहाँ पे सिस्टम बनाऊंगा वो कौन सा सिस्टम होगा, वो होगा डिस्प्ले सिस्टम, ठीक है। डिस्प्ले सिस्टम में सबसे पहले यहाँ पे इसके रास्ते में लगी होगी एक फ्लोरिसेंट स्क्रीन, फ्लोरिसेंट स्क्रीन F लगी हुई होगी। इस फ्लोरिसेंट स्क्रीन का क्या काम है, आप लोग बात जानते हो कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्किट को स्ट्राइक करता है तो वहां पर लाइट इमिट करता है। बाद वक्त लाइट कम होती है, बाद वक्त लाइट ज्यादा होती है। ये जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन है इसके ऊपर एक स्पेशल मटेरियल फॉस्फर लगाया गया है, ठीक है, जो कि मिक्सचर है। फॉस्फोरस इसमें मेन कॉम्पोनेंट है लेकिन बाकी मिक्सचर भी है, आप कॉम्पोजिशन नेट पर सर्च आउट कर सकते हो। तो फॉस्फर एक ऐसा मटेरियल है तो बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का ग्लो करता है जब उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन बीम आके पड़ती है। तो यहाँ पे ये फ्लोरिसेंट स्क्रीन है और इसके आगे यहाँ पे एक और मतलब ग्लास कवर लगा होगा, इस जगह के ऊपर एक ग्लास कवर लगा होगा और ग्लास कवर के ऊपर ग्राफ बना होगा, ठीक है। तो ग्लास कवर के ऊपर भी ग्राफ हो सकता है, फ्लोरिसेंट स्क्रीन के ऊपर भी ग्राफ प्रिंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारी ये कैथोड ऑसिलोस्कोप है, ये ब्लॉक डायग्राम है और इसको मैं यहाँ पे अगर किसी ब्लॉक के अंदर एनक्लोज शो करना चाहूँ इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक भी बना सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली किसी कंस्ट्रक्शन की, वर्किंग भी बहुत सारी एक्सप्लेन कर दी है लेकिन सारी वर्किंग अभी एक्सप्लेन नहीं हुई। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है बच्चों, उसके बाद अब मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन सिस्टम को एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ठीक है। अभी बात किसकी करने लगे हैं, यहाँ पे बात करने लगे हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम, और इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कौन सी हैं, वो है एक्स पर एक्स प्राइम। इनके ऊपर
क्या सिग्नल अप्लाइड है, इनके ऊपर टाइम का सिग्नल अप्लाइड है, ठीक है, और कहां से अप्लाइड है, इंटरनल टाइम बेस्ड जनरेटर से, अंदर ही सीआरओ के अंदर कहीं एक ऐसा सर्किट लगा जो कि टाइम बेस्ड जनरेटर है, और वो क्या जनरेट कर रहा है, वो एक सॉटूथ वेव जनरेट कर रहा है। सॉटूथ वेव क्या है, जिस तरह से सा के दंदाने होते हैं, आरी के दंदाने होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सॉटूथ वेव का मतलब क्या है कि जो वेव है अगर मैं उसका वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ एक सॉटूथ की तरह का बनेगा, कि यहाँ पे टाइम है यहाँ पे वोल्टेज है, तो होगा क्या कि टाइम के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज होता जाएगा, एक पीक पे पहुंचेगा फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ तक इसका टाइम पीरियड होगा वेव का, उसके बाद ये फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म स्लोप के साथ, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे दो टाइम पीरियड गुजर चुके होंगे। तो इस तरीके का एक सॉटूथ वेव है जो कि हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर अप्लाइड होगा, ठीक है, और जब ये अप्लाइड होगा वाई प्लेट्स को फिलहाल मैंने ऑफ रखा है, मैंने वाई और वाई प्राइम प्लेट्स को फिलहाल क्या रखा है, ऑफ रखा है, ताकि मैं इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकूँ एक्स प्लेट्स की, ठीक है। तो सॉटूथ वेव एक्स प्लेट्स के ऊपर अप्लाइड है, लेकिन डिस्प्ले में आपको ये सॉटूथ वेव नहीं मिलेगी, डिस्प्ले आपको एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो किस तरह से उस पर बात कर लेते हैं, अच्छा जी, जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी ना इस वक्त, तो स्क्रीन किस तरह से होगी, स्क्रीन इस तरह से होगी कि वहां पे आपको ये स्केल दिखाई दे रहा होगा, बाद जगह सर्कुलर फॉर्म में भी बनी होती है, लेकिन उसके अंदर भी क्योंकि ग्राफ बने होते हैं आपको स्केल कहीं ना कहीं दिख ही जाता है, दैट मीन बड़े सर्कल के अंदर हो सकता है ये छोटा स्केल बना हुआ हो, तो इसके ऊपर ये क्योंकि ग्राफ पेपर की तरह लाइनें लगी हुई हैं, तो इसके ऊपर इस तरह से लाइन लगी हुई होंगी, इस तरह से ग्राफ वाली लाइन इसके ऊपर लगी हुई है, पर आपको बताया मैंने यहाँ तक कि ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का इनका सिग्नल एक्स और एक्स प्राइम के ऊपर अप्लाई होगा, उससे क्या होगा कि यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि ये वाली प्लेट कौन सी है, ये वाली प्लेट एक्स प्राइम प्लेट है, और ये वाली प्लेट कौन सी है, ये वाली प्लेट एक्स प्लेट है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने सॉटूथ वोल्टेज अप्लाई किया है, और सॉटूथ वोल्टेज किस तरह का है कि वहां पे अगर मैं यहाँ पे टाइम बेस इधर को बनाऊं और वोल्टेज इधर को बनाऊं तो उसकी शेप स्टार्ट उसकी तरह की होती है, ठीक है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो वोल्टेज स्टार्ट उसके क्रॉस अप्लाई हुआ हुआ है जो आगे की तरफ मजीद चल रहा है, क्योंकि तो खत्म नहीं हुआ, ये मजीद आगे चलेगा जहां तक ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज है मैक्सिमम लेट्स से 10 वोल्ट, मैक्सिमम कितना है 10 वोल्ट लेट्स से, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है प्लस 5 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है प्लस 2.5 वोल्ट, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है प्लस 7.5 वोल्ट, तो होगा क्या कि यहाँ पे ये वोल्टेजेस कॉन्टिन्यूसली 0 से 10 तक चेंज हो गए, यहाँ पे कभी 0 वोल्ट होगा, कभी 2.5 वोल्ट होगा, कभी यहाँ पे इस जगह के ऊपर 5 वोल्ट भी मौजूद होगा, कभी यहाँ पे 7.5 वोल्ट होगा, कभी 10 वोल्ट होगा, दैट मीन्स ये जो एक्स प्लेट्स है ना ये वाला सिग्नल इधर अप्लाइड है, और इस पे जो वोल्टेज है वो 0 से लेके 10 तक जाता है, इस दौरान टाइम गुजरता है, फिर जब 10 पे आ जाता है तो बगैर टाइम गुजरे ये 0 पे आ जाता है, तो यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड है, इस दौरान लेट से मैं कहता हूँ रेफरेंस के तौर पे ये जो एक्स प्राइम प्लेट है इसके ऊपर पोटेंशियल 5 वोल्ट सेट है, और ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, स्टार्ट ऑफ जैसे हिसाब से एक्स प्लेट के ऊपर जो है वो सिग्नल ने चेंज होना है। अब होगा क्या, जब ये वाला टाइम आएगा तो इधर प्लस 5 वोल्ट होंगे, इधर कितना होगा 0 वोल्ट, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम पीछे से चलती हुई आगे को आ रही है जब वो इन हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के दरमियान में से गुजरेगी तो वो प्लस 5 वोल्ट की तरफ बेंड कर जाएगी और स्क्रीन के इस पॉइंट के ऊपर पड़ेगी। उसके बाद मजीद थोड़ा टाइम गुजरेगा और यहाँ पे इस जगह पे प्लस 2.5 वोल्ट आएंगे इधर और यहाँ पे होंगे प्लस 5 वोल्ट। नतीजा क्या होगा कि अब भी ज्यादा अट्रैक्शन इस साइड पर ही होगी लेकिन थोड़ी सी अट्रैक्शन उस साइड से भी है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 वोल्ट का रह गया है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन बीम चलती हुई आ रही है वो बिल्कुल इधर की तरफ बैंड नहीं करेगी बल्कि यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी, तो इस तरह के ऊपर आके स्ट्राइक करेगी। ये भी बात नोट करने की कि यहाँ से गायब होकर यहाँ पे नहीं बनी, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली डॉट चलता हुआ इधर आया। उसके बाद यहाँ पे प्लस 5 वोल्ट आएगा, ये प्लस 5 ये प्लस 5 नेट पोटेंशियल डिफरेंस 0, इलेक्ट्रॉन बीम चलती हुई आएगी और सीधी गुजर जाएगी और इस पॉइंट पे स्क्रीन के सेंटर पे आके स्ट्राइक करेगी।
फिर मजीद टाइम गुजरेगा और यहाँ पे प्लस 7.5 वोल्ट आएगा इस जगह के ऊपर। तो जब यहाँ पे प्लस 7.5 वोल्ट आएगा अब डिफ्लेक्शन ज्यादा इस साइड पे आएगी क्योंकि इधर प्लस 2.5 वोल्ट है रिलेटिवली। और जब यहाँ पे 10 वोल्ट होगा तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो मजीद डिफ्लेक्ट होती है इधर आके पड़ेगी इस जगह के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंटिन्यूसली चलता हुआ आपको जाता हुआ इधर को दिखाई देगा और इधर जाके गायब हो जाएगा। गायब होके फिर से इधर अपीयर हो जाएगा क्योंकि यहाँ से जाके वोल्टेज में एकदम जीरो होना है और इस दौरान टाइम नहीं गुजरता। यहाँ से यहाँ तक जाते हुए टाइम गुजर रहा है, इधर तक टाइम नहीं गुजरता। तो इस तरीके से जब आप स्टार्ट उस वेव हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको एक डॉट कंटिन्यूसली चलता हुआ दिखाई देगा जो इधर से इधर जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, चलता हुआ इस तरफ आएगा और फिर गायब हो जाएगा। तो जब तक ये स्टार्ट उस वेव चलती रहेंगी तो ये भी क्या करेगा, ये भी यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चलता रहेगा। ठीक है, तो जब ये चलता रहेगा तो आपको डॉट दिखाई देगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये टाइम पीरियड इसका एक सेकंड है, अगर ये टाइम पीरियड एक सेकंड है तो आपको ये वाकई चलता हुआ उधर तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इस वेव का टाइम एक सेकंड नहीं है बल्कि ये टाइम 1 मिली सेकंड है, फिर ये डॉट इस कदर तेजी से यहाँ से लेफ्ट से जो आपके राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा स्क्रीन पर जहाँ आप देख रहे हो कि ये आपको डॉट दिखाई नहीं देगा बल्कि आपके लाइन दिखाई देगी। तो इस तरीके से जब आप वायर प्लेट्स को ऑफ करके एक्स डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर स्टार्ट उस इंटरनल टाइम पे जनरेटर का बेस की वेव अप्लाई करती हो तो आपको अगर टाइम पीरियड ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम है तो डॉट का दिखाई देता है हॉरिजॉन्टली, और अगर टाइम पीरियड बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। ठीक है, ये स्टार्ट उस वेव इस तरीके से आपको दिखाई नहीं देती। अगर आपने स्टार्ट उस वेव देखनी है तो किसी और कैथोड या ऑसिलोस्कोप की वायर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर ही अप्लाई कर दो। तो ये हमारे पास जो सिस्टम है ये कौन सा है, ये है एक्स और एक्स प्राइम डिफ्लेक्टिंग प्लेट का सिस्टम। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक है तो पूछ लें। अच्छा जी, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ और अब मैं एक्स प्लेट्स को ऑफ कर दूंगा और वाई प्लेट्स को ऑन कर दूंगा, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब आपने एक्स और एक्स प्राइम जो प्लेट्स हैं इनको ऑफ कर देना है और वाई प्राइम प्लेट्स को ऑन कर देना है, और इसके ऊपर जो वेव आपने अप्लाई करनी है वो साइन वेव होगी। दैट मीन्स उस वेव की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा, यहाँ पे x नॉट एम्पलीट्यूड है, x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है और थीटा फेज है। लेकिन ये क्या होता है इसके बाद बातें करेंगे, लेकिन बस ये कि जब आप साइन वेव अप्लाई करोगे ना यहाँ पे तो होगा क्या कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे टाइम चल रहा होगा, यहाँ पे इस जगह के ऊपर वोल्टेज होगा और ये वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली इस तरह से यहाँ से एक वेव कम्प्लीट करेगा तो यहाँ तक टाइम पीरियड टी होगा, उसके बाद ये वेव आगे चलेगी और मजीद दूसरी जो वेव है वो कम्प्लीट करेगी। तो अब हमने यहाँ पे दोबारा से स्क्रीन बना लेंगे। भाई इस तरह से ये वही ग्राफ वाली स्क्रीन है, और अब हमने क्या करना है, अब हमने वाई प्लेट्स ऑन कर देनी है और एक्स प्लेट्स को ऑफ कर देना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये हमारी वाई प्लेट्स हैं वाई, और जो ये वाली प्लेट है वो कौन सी है, वो है वाई प्राइम प्लेट। इसको रेफरेंस के तौर पे जीरो सेट कर देता हूँ और लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज जीरो है, यहाँ पे वोल्टेज प्लस 10 वोल्ट है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे माइनस 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी जीरो है। तो ये वेव जरा दोबारा यहाँ पे बनाता हूँ कि जो वेव आपके लिए अप्लाइड है वो वेव किस तरह की है, वो वेव है साइन वेव इस तरह से चलेगी। ठीक है, और यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड टी है और यहाँ तक इसका टाइम पीरियड 2t होगा, मतलब दो टाइम पीरियड यहाँ पर।
अच्छा यहाँ पे वोल्टेज जीरो, यहाँ पे प्लस 10 वोल्ट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस 10 वोल्ट और यहाँ पे जीरो। एक बात याद रखना कि यहाँ तक टाइम टी बाय टू बनता है, यहाँ तक बनता है टी बाय फोर, लेकिन यहाँ पे जो टी बाय एट है ना उस पर 5 वोल्ट नहीं होते बल्कि 7 वोल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पी का के मिड पे आ जाए तो आपको 5 वोल्ट ही मिलेंगे बल्कि 7 वोल्ट मिलेंगे। लेकिन चलो मैंने फिर आयरलैंड जीरो, टेन, जीरो और माइनस 10 और जीरो वोल्ट से रिप्रेजेंट करना है। भाई जब ये वेव यहाँ पे होगी तो इधर तो वोल्टेज जीरो है, इधर भी वोल्टेज जीरो आएगा। जो इलेक्ट्रॉन बीम चलती भी आ रही है उसकी भी आके यहाँ पे स्क्रीन पर स्ट्राइक करेगी और इस पॉइंट को हिट करेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली चेंज होता हुआ प्लस 10 वोल्ट पे आएगा। तो जब यहाँ पे इस जगह पे प्लस 10 वोल्ट होगा तो नीचे जीरो पर प्लस 10 वोल्ट जो इलेक्ट्रॉन बीम आएगी वो आते आते ऊपर की अट्रैक्शन की वजह से किधर जाकर स्ट्राइक करेगी, तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिर से जीरो आएगा, क्योंकि ये जीरो आएगा तो इलेक्ट्रॉन बीम ऊपर नीचे जीरो के सीधा आकर स्क्रीन पर इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, तो ऊपर से चलती हुई वापस नीचे आ जाएगी। उसके बाद जब माइनस 10 आए रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम इधर पड़ने के बजाय चलती जाती मजीद नीचे पहुंच चुकी होगी और डॉट इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद जब दोबारा से यहाँ पे जीरो वोल्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो इधर पड़ रही थी वो दोबारा से चलती हुई सेंटर पे आ जाएगी। तो ये डॉट आपको कंटिन्यूअसली चलता हुआ ऊपर जाता हुआ फिर ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अगर टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी कम है तो ये डॉट चलता हुआ दिखाई देगा, कंटिन्यूअसली स्क्रीन पे ऊपर नीचे मूव करेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है, तो ये आपको डॉट चलते हुए नहीं दिखाई देंगे बल्कि एक लाइन दिखाई देगी जो इसी डॉट की कंटिन्यूअस रैपिड मूवमेंट की वजह से बनेगी, आपको वो लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने आपको अभी तक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। कंस्ट्रक्शन में हमने ये बताया कि सबसे पहले एक फिलामेंट किसी कैथोड के अंदर एनक्लोज है और वो क्या कर रहा है, वो थर्मोनिक इमिशन के जरिए से इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है। उसके बाद एक ग्रिड है और वो ग्रिड क्या कर रहा है, ग्रिड ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहा है। ग्रिड के पोटेंशियल को ज्यादा नेगेटिव कर दूंगा तो स्क्रीन पर पड़ने वाला डॉट कम ब्राइट हो जाएगा क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे। ग्रिड को कम नेगेटिव पोटेंशियल पर रखूंगा नॉर्थ घुमा के तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस्केप करेंगे, ज्यादा स्क्रीन पर पड़ेंगे और ब्राइटनेस ज्यादा आएगी। तो ग्रिड स्क्रीन की ब्राइटनेस कंट्रोल करने के काम आता है। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन सिस्टम है जो कि फोकस भी करता है। उसके बाद डिफ्लेक्शन सिस्टम है और डिफ्लेक्शन सिस्टम जो है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिफ्लेक्शन करता है। मैंने बताया कि कोई भी सिग्नल आप एक्स प्लेट्स के ऊपर अप्लाई कर दोगे और वाई प्लेट्स ऑफ रखोगे तो जो डॉट है वो इसका मूव करेगा। मतलब अगर सार्टूथ वेव है तो यहाँ पे आके इधर गायब होगा, फिर इधर बन जाएगा, फिर इधर आके गायब होगा, फिर इधर बन जाएगा। और अगर यही साइन वेव एक्स प्लेट्स पे अप्लाई कर दोगे यहाँ पे और यहाँ पे इन प्लेट्स के बजाय तो जो डॉट है वो आपको कंटिन्यूसली इस तरह वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन रहेगा फिर भी हॉरिजॉन्टल मूविंग और स्पीड हाई होगी, फ्रीक्वेंसी हाई होगी, टाइम पीरियड शॉर्ट होगा तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरीके से आप बाय और बाय प्रेम प्राइम प्लेट्स को ऑन करते हुए हॉरिजॉन्टल डिफेक्टिंग प्लेट्स को ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे इस जगह पे क्या होगा, इस जगह के ऊपर ये डॉट कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे मूव करता हुआ दिखाई देगा अगर आपने साइन वेव अप्लाई किया। अगर आपने इधर सार्टूथ वेव अप्लाई की तो ये डॉट यहाँ से ऊपर चलता हुआ जाएगा गायब हो जाएगा, ऊपर चलता हुआ जाएगा गायब हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा फिर ऊपर चलता हुआ जाएगा गायब हो जाएगा। लेकिन जो कि यहाँ पे हर वोल्टेज चेंज के लिए टाइम गुजर रहा है इस केस में डॉट कंटिन्यूसली ऊपर से नीचे मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने एक्स प्लेट को ऑफ करते हुए वाई प्लेट ऑन कर ली, वाई प्लेट को ऑन करते हुए एक्स प्लेट ऑन वो जो है ऑफ कर दी। तो जब सिर्फ एक्स प्लेट ऑन होंगी तो लाइन आएगी हॉरिजॉन्टल, कोई शेप नहीं आनी, और जब हमारे पास वाई प्लेट जो है वो ऑन होंगी और एक्स प्लेट ऑफ होंगी तो हमेशा ही वर्टिकल डिफ्लेक्शन वाली एक स्ट्रेट लाइन आएगी अगर डॉट बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो। कोई भी वेव फॉर्म लेनी है तो दोनों प्लेट्स ऑन करनी पड़ती हैं, लेकिन दोनों प्लेट्स ऑन करने से क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि वहां पे वेव बनना शुरू हो जाती है, वो हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। आज मैंने इतना ही पढ़ाना है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछो क्योंकि अगले डिस्कशन बहुत डिटेल्ड है। बच्चों का कंफ्यूजन, ओके बच्चों आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही था।